दोस्तों मैं हूं संजय और पहाड़ी कुकिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। पहाड़ी कुकिंग में आज हम बनाएंगे कद्दू का खट्टा। हिमाचल की विवाह शादियों में जो कद्दू और चने का खट्टा बनाया जाता है वही रेसिपी आज मैं आपको देने वाला हूं। पहाड़ी कुकिंग में आज हम बनाएंगे कद्दू का खट्टा। हिमाचल प्रदेश की विवाह शादियों में बनने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन होता है कद्दू का खट्टा। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 जिले में विवाह शादियों में अलग अलग तरीके से कद्दू के खट्टे को बनाया जाता है। तो आज मैं वही रेसिपी आपके लिए जिला मंडी की लेकर आया हूँ। यहाँ पर इस तरीके से कद्दू के खट्टे को बनाया जाता है, चने और कद्दू का खट्टा बनाया जाता है। तो आज वही रेसिपी हम बनाएंगे। एक बहुत बड़े पैन में लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को स्मोक आने तक हम गर्म करेंगे पूरी तरह से। ऑयल जब स्मोक छोड़ दें तो बहुत सारा धनिया डालें, साथ में रेड चिली, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, हींग डालें और जीरा डालें, बहुत सारा मेथी डालें और फिर स्टर करें खड़े मसालों को। थोड़ा इनको तड़कें अच्छी तरह से। मसाले अच्छी तरह से तड़क गए हैं तो फिर रफली चॉप किए हुए प्याज को उढ़ेल दें। इस तरह से विवाह शादियों में रफली प्याज को काटा जाता है, बड़ा बड़ा काटा जाता है, इसको फाइन चॉप नहीं करना होता है। प्याज को स्टर करना है और गोल्डन कलर इसका पूरा लेना है। यही तरीका अपनाया जाता है विवाह शादियों में हिमाचल प्रदेश में तड़का बनाने के लिए। प्याज हल्का नरम हो गया हो तो फिर जिंजर और गार्लिक जो कुंडी में कूट कर बनाया जाता है पेस्ट, उसका इस्तेमाल करें। गार्लिक में थोड़ा कच्चापन होता है, उसको आपने थोड़ा तड़कना है अच्छी तरह से, सुनहरा कलर लेना है। तब तक आपने स्टर करना है और सभी चीज़ों को एक साथ कुकिंग करना है, बीच बीच में आपने स्टर करते रहना। जब आपका प्याज लहसुन अदरक 70% कुक हो गया हो उसके बाद फिर जो पाउडर मसाले होते हैं उनका प्रयोग करें। सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून हम हल्दी डालेंगे, साथ में बहुत सारा धनिया पाउडर डालें, गर्म मसाले का प्रयोग करें। यहाँ पर साथ में डालेंगे हम चॉप किए हुए टमाटर को उढ़ेल देंगे हम। टमाटर को अच्छी तरह से स्टर करना है, प्याज लहसुन अदरक के साथ मिलाना है। यहाँ पर बहुत सारा डालूंगा मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और टमाटर है तो साथ में सॉल्ट भी जाएगा। एक मुट्ठी के करीब मैंने सॉल्ट डाला है। हमारे जो है 5 किलो कद्दू का खट्टा बन रहा है तो उसी हिसाब से हम मसाले डालेंगे, साथ में सॉल्ट भी स्वादानुसार डालेंगे। यही फार्मूला हिमाचल प्रदेश में विवाह शादियों में धाम में जो सब्जियां बनाई जाती है उसमें अपनाया जाता है इसी तरीके से। फेनल सीड्स डालेंगे हम यहाँ पर, मीठी सौंप, इससे बहुत बेहतर फ्लेवर कद्दू के खट्टे में आता है। कद्दू का खट्टा खट्टा मीठा बनाया जाता है। अजवाने का प्रयोग भी करें, अजवाने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके कद्दू के खट्टे में। 4 से 5 किलो हमारा कद्दू है तो इसमें गुड़ डालूंगा मैं 250 ग्राम के करीब, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं गुड़। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कद्दू का खट्टा खट्टा नहीं होता है, खट्टा मीठा होता है, उसमें गुड़ या शुगर जो चीनी होती है उसका प्रयोग किया जाता है विवाह शादियों में। प्याज लहसुन अदरक टमाटर हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब बॉईल किए हुए कद्दू को हम उढ़ेल देंगे। कद्दू हमारा बॉईल हो गया है ऑलरेडी, इसको बॉईल किया जाता है पहले, इसके बाद इसको फिर ग्रेवी में उढ़ेल दिया जाता है। अब इसको थोड़ा मैश करना है, आप किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो करछी होती है उससे मैश कर सकते हैं, और विवाह शादियों में जो धड़च होता है हमारे हिमाचल प्रदेश में उससे मैश किया जाता है। फिर इसको अच्छी तरह से गलाना है। अब कद्दू को जब आपने बॉईल कर दिया हो तो फिर ये बहुत इजीली मैश हो जाता है। ये देखो आप, हमारा कद्दू अच्छी तरह से मैश हो गया है, पूरी तरह से गल गया है। अभी इसको 5 से 10 मिनट हम और कुक करेंगे लीड से कवर करके। लीड से कवर करने के बाद इस तरह का नज़ारा है हमारे कद्दू का। कद्दू में अब हम काले चने डालेंगे। काले चने के साथ कद्दू को बनाया जाता है तो 1 केजी के करीब मैंने काले चने बॉईल किए हैं। 4 किलो हमारा कद्दू था तो उसमें 1 किलो हम चने डालेंगे। चनों को अब कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे, स्टर करेंगे, अच्छी तरह से स्टर करें कद्दू और काले चने को।
अब मैं यहाँ पर चॉप की हुई ग्रीन चिली का प्रयोग करूँगा। पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रयोग करते हैं ग्रीन चिली का, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है। जब आप अंत में करते हैं तो फिर ये हरी हरी रहती है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी। कद्दू का खट्टा पूरी तरह से कुक हो गया है, इसमें हमने गुड़ का प्रयोग कर दिया है मीठा बनाने के लिए, लेकिन अब इसको खट्टा बनाना है तो अब हम अमचूर का प्रयोग करेंगे। एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लें और स्मोक आने तक गर्म करें, फिर अमचूर डालें बहुत सारा। अमचूर को अच्छी तरह से कुक करें, इसका कलर जब तक ब्लैक नहीं होता है तब तक आपने स्टर और कुक इसको करना है। उसके बाद कद्दू के खट्टे में डाल देना है आपने अमचूर को, सारा अमचूर इसमें डाल देना है और फिर इसको स्टर करना है आपने, अच्छी तरह से मिलाना है अमचूर को। अब हमारा कद्दू का खट्टा बनकर तैयार हो गया है। खट्टा मीठा कद्दू का खट्टा बनता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें हमने गुड़ का प्रयोग किया, गुड़ की जगह आप शुगर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो ज़्यादातर कद्दू के खट्टे में गुड़ का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरह मंडियाली धाम बनाना चाहते हैं तो फिर आप कद्दू के खट्टे में गुड़ का प्रयोग करें। अमचूर का प्रयोग करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने कद्दू के खट्टे को कुक करना है धीमी आंच में। दोस्तों, तो आज मंडियाली धाम में बनने वाला कद्दू का खट्टा जो बनाया जाता है वो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया था कि किस तरह से मंडियाली धाम में कद्दू का खट्टा बनाया जाता है। कद्दू को सिंगल भी बनाया जाता है, चनों के साथ भी बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से हिमाचल प्रदेश में कद्दू का खट्टा बनाया जाता है। आज मैंने चने और कद्दू का खट्टा बनाया। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो नई रेसिपी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।